इम्पोर्टेंट वीडियो है और मैंने ये डिटेल से इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको डिटेल से सारी चीजें डिस्क्राइब कर सकूं इस वीडियो में। फेशियल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। पिंक फेशियल बेसिकली आपकी सेंसिटिव स्किन को रिकवर करने में हेल्प करता है, आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। इनफैक्ट अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्नी है, फ्रेकल है, पैचेस हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं तो उनको भी ये रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये डिटेल से मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफी गर्ल्स ने कहा कि हमें पता नहीं चलता हमारी स्किन इस टाइप की है तो हम कौन सी टाइप की प्रोडक्ट यूज करें। ये देखें, ये सीरम्स और एम्प्यूल्स के साथ रेडी गए और इसके एक मसाज का रिजल्ट ऐसा है कि आपने जैसे स्किन पॉलिश की हो फेस पे। आप लोग देख सकते हैं इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी फेस रिपेयरिंग ट्रीटमेंट्स हैं। और सबसे बड़ी खास बात इस फेशियल की ये है कि इसको वेदर के हिसाब से दोबारा रेडी किया जाता है। वो इस तरह के इसके अंदर का जो टेक्सचर है वो वेदर के लिहाज से चेंज करते रहते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को 100% रिजल्ट मिलता रहे साथ के साथ और आपकी स्किन जो डैमेज स्किन है वो भी रिपेयर हो। और इसका जो क्ले मास्क है ये आप लोग देख सकते हैं और इसमें शाइन भी देख सकते हैं, ये आपके फेस पे शाइन और ग्लो भी लेके आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेडिकेटेड जो क्ले मास्क है ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है, डेड स्किन को रिपेयर करता है, ओपन पोर्स को ये हमेशा के लिए लॉक कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पिंक फेशियल। बात करेंगे हमारे गोल्ड फेशियल पे। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा जो गोल्ड का फेशियल है बेसिकली ये ज्यादा एज की जो लेडीज होती हैं जिनपे कोई चीज रिजल्ट नहीं दे रही होती, कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा, अर्जेंट व्हाइटनिंग के लिए ये हमारा गोल्ड फेशियल। ये आपके रिंकल्स को भी रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है और आपकी जो स्किन है उसको व्हाइटनिंग की तरफ लेके आता है, अर्जेंट व्हाइटनिंग की तरफ। और ये मेडिकेटेड है, ये भी आप लोग देख सकते हैं जो नाइट क्रीम्स के साथ रेडी किया गया है और जिसका रिजल्ट 100% है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि गोल्ड फेशियल का रिजल्ट 99% है क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो 100% है। रिजल्ट के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और ये जो है, आपको एक चीज मैं और बता दूं, जब आप फेशियल यूज करते हैं तो काइंडली आप लोग प्लास्टिक का स्पून यूज किया करें प्रोडक्ट को निकालने के लिए। कभी भी गीले हाथ या अपना फिंगर बीच में ना डाला करें क्योंकि बाद में वो प्रोडक्ट आपकी जो है वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपके हाथों के जो जर्म्स होते हैं वो आपके जार में चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप यूज करते हैं तो आपको खुद फील हो रहा होता है कि यार फर्स्ट टाइम जब हमने यूज किया था हमें 100% रिजल्ट मिला था, अब ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। सैलून वाले तो इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन आप लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे एक और टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूंगी, वो ये है कि केराटिन शैम्पू, हमारे जो जितने भी शैम्पूज हैं ये केराटिन कंडीशनर और रिपेयरिंग ट्रीटमेंट्स के साथ बनाए गए हैं। हेयर फॉल को रिमूव करते हैं आपके और आपके जो बाल हैं उनको सिल्की और शाइनी बनाते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक में ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि शैम्पू में पानी डाल के उसको, भाई ये काम नहीं करना, ये जो प्रोडक्ट है ये पानी के लिए नहीं है। आप लोगों ने इस शैम्पू में, ये बहुत गाढ़ा शैम्पू है, ये आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये कंडीशनर केराटिन और प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग क्या करते हैं इसमें पानी डाल के झाग बनाने की कोशिश करते हैं तो वो आपका शैम्पू वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, इसमें पानी ऐड नहीं होने देना, ना ही करना है।